मुंबई के कांदिवलीपुर लोखंड वाला साई उद्यान के पास संत ज्ञानेश्वर चौक प्रतिमा सौंदर्यीकरण का उद्घाटन कांदिवली के भाजपा विधायक अतुल भातलकर और पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल के हाथों किया गया, जहां सांस्कृतिक और धार्मिक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि पूर्व बृहन मुंबई महानगर पालिका ने संत ज्ञानेश्वर चौक पर गेंडे की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसका संज्ञान लेकर स्थानीय पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल व अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने विधायक अतुल भातलकर के निधि से संत ज्ञानेश्वर चौक पर संत ज्ञानेश्वर की प्रतिमा को स्थापित किया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक अतुल भातलकर और स्थानीय पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं आए सभी लोगों ने भाजपा विधायक अतुल भातलकर और स्थानीय नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल के कार्यों की सराहना की। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। सर, आज यहां पे संत ज्ञानेश्वर महाराज चौक का उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत हर्ष की बात है कि आज यहाँ लोखंडवाला म्हाड़ा कॉम्प्लेक्स के शुरुआत में संत ज्ञानेश्वर चौक का उद्घाटन सशिल्प इस प्रकार का हुआ है और यहाँ विट्ठल की प्रतिमा, ज्ञानेश्वर महाराज जी की प्रतिमा, साथ में वारकरी लोग बैठे हुए भजन कर रहे, इस प्रकार का एक संकल्प चित्र भी यहाँ खड़ा किया गया है। और वारकरी परंपरा प्रथा ये महाराष्ट्र की, देश की एक बहुत बड़ी परंपरा है और वारकरी परंपरा ये इस प्रकार की परंपरा है जिसने मुगलों के आक्रमण से तो इस संस्कृति का बचाव किया ही, साथ साथ में पूरे हिंदू समाज को साथ में लेकर समाज की आध्यात्मिक नैतिक प्रगति करने का काम भी ये वारकरी परंपरा ने, संप्रदाय ने किया और उसका एक भित्ति चित्र आज यहाँ लगा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति दर्शाने वाली ये आज का ये संकल्प चित्र है। ज्यांच्या निधीतून झालेले आहे असे आमचे सर्वांचे लाडके आमदार अतुल भातकर साहेब, अप्पा बेलवरकर जी, सुधीर भाऊ शिंदे, मंचावर उपस्थित असलेले सगळेच आणि माझ्या बंधू आणि भगिनींनी की ज्यांनी काल आवर्जून एका दिवसात सांगितल्यानंतर सगळेच या ठिकाणी आलेले आहेत, रुक्मिणी भजनी मंडळ आहेत, हनुमान मंडळी बजरंग आणि उत्तराखंड भजनी मंडळ या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल मी सगळ्यांचाच मनापासून धन्यवाद देते, कारण आज सगळ्यात काय शोभा आली असेल तर तुमच्यामुळे आली असं मी नक्की म्हणेल, कारण त्या काल एकादशी होती पण खरोखर विठोर आहे या ठिकाणी आले हे आज आपल्याला सगळ्यांना जाणवलं। खरंच लोखंडवाला विभागामध्ये पंढरी दुमदुमल्यासारखी या ठिकाणी आपण वाटते, याचबरोबर आपल्याकडे दोन चौकांचं सुशोभीकरण या ठिकाणी झालं होतं आणि सगळ्यांच्या अशी इच्छा होती की ज्ञानेश्वर चौक आहे आणि याच्या त्याच्याशी निगडीत असलेला शिल्प तयार व्हावं आणि आम्ही सगळ्यांनी जेव्हा अतुलजींना विनंती केली अतुलजींनी लगेच तयार होऊन अतिशय सुंदर या ठिकाणी आपल्याकडे शिल्प तयार झालेले आहे। लोखंडवाल्याचं एंट्री भाग आपण म्हणतो की सुरुवातीच्याच भागाला इथे दर्शन देवदर्शन घडल्यासारखं आपल्याला वाटतं। खरंच सर मी तुमचं मनापासून धन्यवाद देते, कारण तुमच्या माध्यमातून अनेक चौकाचे या ठिकाणी सुशोभीकरण झालेलं आहे। तुम्ही जर बघितलं तर समोर विश्वकर्मा चौक आहे, बसवेश्वर चौक आहे आणि पुढे परशुराम चौक आहे, या सगळ्याच चौकाचे अतिशय सुंदर रीत्या शिल्प या ठिकाणी तयार झाल्याबद्दल मी माझ्या विभागातर्फे आमदार अतुल भातकर साहेबांचा खरंच धन्यवाद देते आणि माझ्या वाणीला मी पूर्ण विराम देते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।